बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। कभी कभी वो वृत्ति आती है तो आपको लगेगा कि अब ये कभी तो कहते निश्चिंत रहो, बेपरवार हो, कभी कहते चैन नहीं आनी चाहिए। आपको लगेगा ऐसा, ये जो हम कह रहे हैं चैन नहीं आनी चाहिए, वो आप पहुंचाने के लिए कह रहे हैं मस्त रहो, बेपरवार हो, क्योंकि शरीर में रह के मस्त नहीं रह सकते, शरीर में स्थित रह के बेपरवाह नहीं रह सकते, बेपरवाह स्वरूप में हो सके, बेपरवाह प्रियालाल में होके शरीर में रह के भागो इस शरीर से। है रास्ता भागने का, देखो भाग के, भागना चाहोगे तो शरीर से ही भागोगे। हम कह रहे शरीर से भागो, तो आप कह रहे हो आप भाग तो रहे शरीर से, नहीं आप शरीर को लेके भाग रहे हो, हम कह रहे शरीर को छोड़ के भागो, शरीर का राग, इसे ममता नहीं। बहुत धोखा है, बहुत नाटक है ये, सच्ची मानो यहां से कह रहे, यहां से फंसो मत, इसमें मत फंसो, केवल नाटक है ये नाटक। कुछ चंद समय का आपको दिया गया है, तुम्हें लगता है बहुत समय लग रहा है, 50 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष, अरे जो बड़े बड़े महापुरुष युग युग तक जीत, उनसे कहा कि एक झोपड़ी बना दे तुम्हारे लिए, कौन से ऋषि थे, हाँ दाल दाल अभी पीछे चल, वो कहा कि अरे अभी इतने युग बीत गए, अब क्या, ऐसे ही गए युग, ऐसे ही गए, अब क्या झोपड़ी। अपना समय कितना है, जो 40, 50, 60, 70, 80, इतने में कितना समय सोने में चला गया, कितना समय विलासिता में चला गया, ध्यान नहीं दिए। जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध ना हो, जब तक इन नेत्रों से प्रियालाल को देख ना लो, तब तक चैन मत लो। अंदर ही अंदर हाय हाय मच जाना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। प्रभु कृपा से ये बात हृदय में बैठती, हृदय में बैठती है, जो बैठी ये अपना नहीं रह गया है, इसमें जो जैसा आता है, अब जिसे चल रहा है। अब इस समय हमें आप कुछ समझाना चाहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस यही बात समझ, होश में हो जाओ, बस यही समझ लो तुम्हें जो समझना है। कल हम क्या कह रहे थे वो तुम समझो, अभी जो आए उसे समझो, अभी हमारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसमें लाग मत करो यार, समय बिल्कुल, ये सब प्रवचन ये सब माया का नाटक हो जाएगा। यदि स्वरूप का बोध नहीं, निरंतर भजन में तन्मयता नहीं, तो ये भी एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा। मनोरंजन प्रवचन कर रहे हैं, कुछ विषय कण आएंगे, उससे हमें चलो जीवन कट रहा है, तुम्हें लगा थोड़ा दान पुण्य हो गया, चलो वैसे कुछ नहीं, सब माया का नाटक है, कुछ नहीं, सब नाटक है। यदि आपके अंदर पीड़ा पैदा नहीं भगवत साक्षात्कार की, तो दर्शन की लालसा हीन, फिर सत्संग क्या, स्वरूप का बोध नहीं तो क्या शास्त्र ज्ञान, स्वरूप की तरफ आकर्षण है क्या, ऐसा माया का नाटक चल रहा है। ये दान वे पुण्य क्या है, हाथ गंदा करके धोना अच्छा है कि गंदा ही न करे तो अच्छा है, क्या है। इसलिए सावधान, और समझे चाहे न समझे, सबसे हमारी समझ भली, समझ जाओ। आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो, आप समझिए कि आप हैं कौन, क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप समझिए जाकर 100 किलोमीटर दूर वो कौन है, अरे इसमें रह रहे हो, इंद्रिय आपको फंसाए हुए, मन आपको फंसाए हुए, बुद्धि आपको फंसाए हुए, आपकी ताकत से आपको फंसाए हुए, आप राजी हो। इस सूंघने को मिल गया, नाच रहे हैं, बहुत सुगंध है, खाने को मिल गया, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, तुम, अरे सच्चिदानंद के अंश, सच्चिदानंद मय, कहां तू राजी हो रहा है। यही तेरे मृत्यु रूपी भय प्रकट करने का हेतु बन गया, यही तुझे जलाने का हेतु बन गया, यही तेरे कष्ट का हेतु बन गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको भोजन मत दो, इसको दो तुम नहीं, इसको दो जो आवश्यक है, इसको दे दिया, ये यात्रा की गाड़ी है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अगर इसे
आप अवहेलना करके तो बहुत समय लगेगा। जब ऐसी वृत्ति आती तो हम किसी बात में राजी नहीं होते, बस फिर यही लगता नहीं नहीं फुसलाने से काम नहीं चलेगा, अब बेशर्मी से काम नहीं चलेगा, अब तो अनुभव कराओ, हट हो जानी चाहिए, अनुभव कराओ। हे गोविंद, हे परम गुरु, बस अब बातों से नहीं, बस अनुभव कराओ। आप अपना अनुभव कराओ और हमारा हमको अनुभव कराओ। हम कौन है? बार बार इसी शरीर में आसक्त, बार बार विषयों में आसक्त, कैसा हमारा सुखमय स्वरूप है? कैसा हमारा अमल स्वरूप है? कैसे हमारे अंशी आप हो? हमें अनुभव कराओ। अनुभव की व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए, अनुभव की भूख पैदा हो जानी चाहिए। कुछ सुहाई नहीं देता, समझना समझाना ये सब व्यर्थ होता है। कब? जब ये भूख पैदा होती है। भूख नहीं है ना तो ये वार्ता भी हो रही, किसी को नींद भी आ रही होगी। क्या समझना है? सो यही आनंद है, खाओ यही आनंद है, कपड़े खुलते बस बस। हम सीधा हम वृंदावन में रह रहे हैं, प्रिया प्रीतम की झलक नहीं मिल रही, प्रिया प्रीतम के अनुराग में नहीं डूब रहे, हमें चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं आ रहा। क्या भक्ति? शास्त्रों की सिद्धांत की बातें वर्णन करी, उनको सुनी, कहीं पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरा स्वरूप क्या है। हम अपने को मानते हैं तो शीशा दर्पण में जब देखते हैं तो जो दिखाई देता है उसे हम अपने को मानते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो पर है, जो देख रहा है वो स्व है, तो जो देख रहा है वो कौन है? वो शीशे में थोड़ी दिखाई देगा, शीशे में तो पर दिखाई दे रहा, प्रकृति रचित ये शरीर दिखाई दे रहा। हमारा स्वरूप क्या है? हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे इष्ट देव, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव, मुझे आपके रूप का अनुभव। दो में से एक कोई हो जाए तो विश्राम मिल जाए। अगर इष्ट देव सामने आ जाए तो तत्काल स्वरूप का बोध होकर के प्रेम में डूब जाए उपासक। स्वरूप बोध हो जाए तो मायाकृत आकर्षणों से मुक्त हो गया, भगवदाकार वृत्ति हो गई। अनुराग तक पहुंचने के लिए तो दूसरी वृत्ति आएगी, पर कम से कम विश्राम तो मिल गया। जन्म मृत्यु के भय से तो चला गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत समय हमारा जा रहा है, भटकाव नहीं होना चाहिए। किससे हम चालाकी कर रहे हैं? विषय भोगने के लिए किससे चालाकी कर रहे हैं? अरे अपने आप को फंसा रहे हैं। किसी से हम छुपाओ, किसी का क्या, हम अपना नाश कर रहे हैं। अज्ञान के कारण हम अपने आप को बंधाते चले जा रहे हैं। ये कब छोड़ेंगे? ये विषय आकर्षण, ये इंद्रियों का विषयों की तरफ द्रुत गति से जाना, मन का इंद्रियों में तन्मय होना, बुद्धि का मन को आदेश कर देना और बुद्धि का कुमति युक्त हो जाना, ये कब सुधरेगा? कब? विचार कीजिएगा। ये सत्संग जो हो रहा है इस पर विचार कीजिएगा। विचार काम ना करे तो आश्रित हो जाइएगा। हे हरि, हे प्रिया, मैं आप, बस हम और कुछ सोचना नहीं चाहते और कुछ समझना नहीं चाहते, बस शांत हर समय अंदर से चिंतन में डूबे रहो। मृत्यु का प्रवाह आ रहा है, कभी कोई भी लहर तुम्हें डुबो देगी, फिर न विचार रह जाएगा न भजन रह जाएगा। उसके जीते जी जिसको मृत्यु अपने प्रवाह में डुबोने वाली, उसे छोड़ दो तुम, शरीर राग से ऊपर उठो। जबरदस्ती वैराग्य वाला ये मार्ग नहीं है, विवेक के द्वारा समझो, इससे राग मत करो। भगवत प्रसाद स्वरूप जो आहार मिले इसमें डाल लो, आप नहीं पा रहे हो। भगवत प्रेरणा से जो वस्त्र मिले डाल लो शरीर में, यात्रा है बस।
राग मत करो, चलना है यहां से, ये शरीर छूटेगा। आज स्वस्थ बैठे हो सकता है कल अस्पताल में बोतलें लगी हों, आप असहाय पड़े हो, पता नहीं बड़ा नाटक है। आज चल रहे हो, कल हो सकता है चलने लायक जीवन में न रहो, टूट जाए, कट जाए, क्या जाना जाए। आज देख रहे हो सकता है कल ऐसा आवे कि तुम संसार को न देख पाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योति चली जाए। आज बोल रहे हो, कल हो सकता है ये वाणी बोलने लायक न रह जाए। प्यारे सावधान, ये हम हृदय की पीड़ा की बात कह रहे हैं, जो तुम सो रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, तुम मनोरंजन स्वप्न में मना रहे हो। जागो, स्वप्न में नहीं, जागो, अपने सच्चिदानंद में इष्ट के समीप पहुंचने की चेष्टा करो। वो कहीं दूर नहीं, जहां आप हो वहीं पास में ही विराजमान है, बिल्कुल समीप विराजमान है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक ऐसा समझ लो जैसे लाडली जू लालजू की गोद में विराजमान है। और कभी कभी उनको लगता है कि लालजू दूर हो गए। अंकस्थिते पिदैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। ठीक ऐसे तुम भूल गए हो माया में, बका बैठे प्रभु की गोद में हो, तुम भी हा पुकारो, हा मोहन, हा कृष्ण, हा श्यामाजू, तो आपको बोध हो जाएगा कि मैं तो वहीं बैठा हूं, वहीं हूं, दूर नहीं हूं। और ये अनुभव होना चाहिए, केवल बातें नहीं, अनुभव होना चाहिए। क्या हमारा आनंद महसूस जी, उस सुख राशि, सुख राशि तो आकर्षण कैसा विषयों का, कैसा आकर्षण, महान आनंद स्वरूप परमात्मा, उसके हम अंश, फिर कैसा ये दुर्दशा कैसी। छोटा छोटा विषय, छोटी छोटी मान अपमान की वृत्तियां, छोटी छोटी निंदा स्तुति, हम इसी में अर्जे। क्या हमारा स्वरूप, क्या हमारे इष्ट का स्वरूप, कहा हमारी स्थिति। बेचैन हो जाइए प्यारे, हमारा शरीर छूटते छूटते शरीर का राग पूर्ण रूप से छूट जाए, यही शरीर धारण का फल है। इस शरीर में ममता न रह जाए, संसार शरीर ही है, शरीर की ममता गई, संसार की ममता गई, ये सब झूठी बातें हैं। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये सब झूठी बातें हैं, जगो, सब झूठी बातें हैं। वेदान्नपि सन्यस्ति, सच्ची मानना, उठो इस त्रिगुणात्मिका माया के स्वप्न से, उठो। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, निस्त्रिगुण बनो। एक ही कर्तव्य है, तन्मयाः, प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ।